सभी को नमस्ते। आज हम जिस विषय पे आप सभी के सामने अपने प्रमाणों को रखने जा रहे हैं, वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम वैदिक धर्म के कुषाण कालीन प्रमाण दिखाएंगे, और जो प्रमाण होंगे बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक जगह से आपको स्थान से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि कोई बाद में आपसे प्रश्न करे कि ये प्रमाण कहाँ से लाए, कहीं से उठा के नहीं लाए, ब्राह्मणवादियों के पास से ले आए, तो कोई ऐसा प्रश्न ना कर पाए आपसे। ठीक है, तो अभी आपके सामने प्रमाण रखे जाएंगे। तो भाई स्क्रीन शेयर करो। रुद्रांश भाई, आपकी स्क्रीन दिख रही है? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैक आ रहा है। हाँ, अब आया। तो भैया ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसमें आपको सभी को जय श्री राम, नमस्ते। हाँ, अब नेक्स्ट पेज दिखाओ। इसका नेक्स्ट पेज लगाओ भाई। तो भाई ये डिस्क्लेमर है, जिसको कुछ भी समस्या हो इसको रोक करके आराम से पढ़ लेना, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट पेज लगाओ। ठीक है, तो देखो भैया ये है, यह है कुषाण कालीन भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति। ठीक है, और ये जो मैंने इसका रेफरेंस दिया है, बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक से दिया है, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ कृष्णा ऑन कुषाण आर्ट। ठीक है, ये इसके राइटर पी बैनर्जी हैं, और नीचे और इनके बारे में मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, स्कॉलर थे। और नीचे आप दिल्ली म्यूजियम का बड़ा बड़ा लोगो दिख ही रहे होंगे, कि इससे क्या प्रमाणित होता है मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये इसको थोड़ा जूम कर सकते हो भाई, तो स्कल्पचर पे थोड़ा जूम कर दो। मैं कर सकता हूं। ज़ूम हुआ क्योंकि मेरे में तो भाई थोड़ा स्लो चल रहा है, लग रहा है मेरा लैपटॉप। हाँ, हो गया हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड सेंचुरी। ठीक है, और बिहार से प्राप्त हुआ है, यहाँ कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी को दिखाया गया है, हाथ में वही। आप अगर आइकोनोग्राफी के अनुसार देखेंगे तो इधर बलराम जी के हाथ में हल इत्यादि दिख जाएगा, और चतुर्भुज तरीके से भी दिखाया है कृष्ण जी को। कृष्ण जी के बाएं हाथ में शंख दिख जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट लगा दो। नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। तो ये जो ये नेक्स्ट स्कल्पचर है, इसमें वासुदेव, ये भी उसी बुक से है, पी बैनर्जी की पुस्तक से है ये भी। इसमें वासुदेव जी जो क्या कहते हैं, कारागार से लेकर के यमुना नदी पार करके जा रहे हैं कृष्ण जी को टोकरी में सर पे लेकर के। यहाँ साइड में थोड़ा सा जूम कर दो भाई, जिससे स्पष्ट दिखे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने सर के ऊपर टोकरी ले जा रहा है, और बगल में शेषनाग को दिखाया गया, जो उसकी उनकी रक्षा करते हुए जा रहे हैं। और ये मथुरा म्यूजियम में रखा हुआ, सेकंड सेंचुरी का है ये भी, कुषाण कालीन है। नेक्स्ट दिखा दो भाई। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेज कर रहे हैं भाई, मैं कर रहा हूं इसे ज़ूम। वॉइस थोड़ी कट रही है। नेक्स्ट लगा दो। ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया।
नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। तो ये है क्या कहते हैं एक्सप्लोरर इन आर्ट आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ, एक्सप्लोरेशन इन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशियन। इस पुस्तक में यहाँ ये राइटर है और ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, और नीचे सारा विवरण दे रखा है कि ये कौन है। और इन्होंने जो दर्शाया है ये कुषाण कालीन, इन्होंने दो मूर्तियां दिखाई है कुषाण कालीन ने, और उसके साइड में भी दो मूर्तियां दिखाई है। यहाँ तपस्विनी पार्वती का रूप प्रदर्शित किया है इन्होंने, ठीक है। इसकी मूर्तियां, इसकी मूर्तियों का स्कल्पचर मिलता नहीं है, पर इसका छाया चित्र मिलता है, इसीलिए केवल वही प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। और इसको थोड़ा नीचे की तरफ से जूम कर दो कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो दिख जाए, हो सके तो। वरना आप इसका क्या कहते हैं क्वालिटी को इंक्रीज करके आप वीडियो को देखोगे तो जूम हो जाएगा, नीचे आप साफ साफ लिखा हुआ है ये कुषाण कालीन मूर्ति है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देख करके आप जान ही जाओगे। अब नेक्स्ट लगा दो स्कल्पचर। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड लगा दो भाई। मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे में भी, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। कोई बात नहीं। इसमें लिखा हुआ है तपस्वी, नेक्स्ट स्कल्पचर लगा दो। हेलो भाई, हाँ नेक्स्ट स्कल्पचर लगा दो इसका। मैं सुन रहा हूँ भाई, मैं जरा इसे जूम आउट कर रहा हूँ ताकि लगा पाऊँ। लग गया। ये महिषासुर मर्दिनी की स्कल्पचर है और ये कुषाण कालीन है ये भी, ठीक है। और ये बहु प्रचलित है इसका, ये आपको क्या कहते हैं ASI की साइट पे भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसका कोई संदर्भ नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये, लोग सामान्य में सभी लोग जानते हैं इस मूर्ति को, इसीलिए मैंने इसका कोई भी संदर्भ नहीं दिया है। चिंता मत कीजिए, 54 स्लाइड है, आज आपको खूब प्रमाण दिखाए जाएंगे, पूरा कुषाण कालीन प्रमाण दिखाया जाएगा, पूरा कुषाण काल को हमने निचोड़ दिया है आज इस PPT में। नेक्स्ट लगाओ। ये सूर्य देव की प्रतिमा है और ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, कुषाण कालीन है। नेक्स्ट लगा दो भाई। भाई आज का टॉपिक वैदिक धर्म के प्रमाण में कुषाणकालीन प्रमाण आपको दिखाया जाएगा, फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड सेंचुरी तक का, यानी इतना अंदाजे से समझ लीजिए 2000 साल पुराना प्रमाण। नेक्स्ट लगा दो। हाँ, ये अग्नि देवता का आप स्कल्पचर देख रहे हो, ठीक है, और नीचे आपको दिल्ली म्यूजियम का लोगो, यानी नेशनल म्यूजियम का लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये अग्नि देवता का है और कुषाण के कहीं सिक्कों पर अग्नि देवता का नाम तक जिक्र मिलता है, ठीक है। अब वो जब सिक्कों पे वीडियो हम बनाएंगे, अभी तो पहले स्कल्पचर और शिलालेखों को कवर कर रहे हैं, अभी गुप्तकालीन सिक्कों पे भी आएगा सबसे पहला वीडियो, अगर कॉइन पे आएगा तो गुप्तकालीन कॉइन पे आएगा, फिर उसके बाद आएगा कुषाणकालीन कॉइन पे, तो अभी केवल हम इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, ये अग्नि देवता का है। नेक्स्ट लगाओ भाई।
यह अर्धनारेश्वर कुशाणकालीन मूर्ति है भगवान शिव की। सर पे जटाजूट आप स्वयं देख सकते हैं और त्रिनेत्र और कानों में कुंडल स्पष्ट दिखता है, ठीक है। और ये बुक का मैंने प्रमाण यहाँ दे दिया है, स्टडीज इन इंडियन आर्ट, इसमें आपको मिल जाएगा। और ये इसका राइटर है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये म्यूजियम मथुरा म्यूजियम के संस्थापक थे और बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट विद्वान इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। यहाँ आपको एक साइड में बुक दिखाए हैं इंडियन स्कल्पचर, और इसके साइड में आपको ये कुशाणकालीन मूर्ति है जो भगवान स्कंद यानी कि कुमार समझते हैं, कुमार कार्तिकेय उनकी मूर्ति है, ठीक है। तो अभी इसके बुक का हमने प्रमाण दिया है, अभी आगे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन इस बुक में दे रखा है जो इस बुक का राइटर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड लगा दो भाई। इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट लगा दो, इसको स्किप कर दो। ये देखिए, ये जो पीछे आपको हमने बुक का कवर दिखाया था उसी बुक में है, ये बलराम जी की मूर्ति है जो कुशाणकालीन है, ठीक है। मथुरा म्यूजियम में है ये। नेक्स्ट लगा दो। और ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, ठीक है। और यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और दुर्गा देवी को दिखाया गया है मूल निवासी के पिताओं को मारते हुए, कि जो मूल निवासी महिषासुर है तथा कथित, ये दूसरी सेंचुरी का है। और ये भी उसी पुस्तक से है जो अभी पीछे हमने कवर दिखाया था ना, कहा था डिस्क्रिप्शन इसी में मिलेगा, उसी का है। हाँ, और ये भी उसी पुस्तक से है, ये कुबेर जी का स्कल्पचर है और मथुरा से प्राप्त है, द्वितीय शती का है, द्वितीय शती ईस्वी का, ठीक है। लाइव भाई अभी हम कह नहीं सकते, आज लाइव थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि प्रमाणों की संख्या बहुत है, ठीक है। प्रमाणों की संख्या बहुत होने के कारण लाइव थोड़ा लंबा खिंच जाएगा आज शायद, अगर मैं थोड़ी स्पीड अगर कम कर लूँ तो थोड़ा लाइव लंबा खींचेगा, कोई नहीं, देखते हैं प्रमाण। ये अर्धनारेश्वर भगवान शिव का है, इसमें थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एसोजीनियस एंड्रोजीनियस फॉर्म ऑफ शिवा, शिवा एंड पार्वती, यानी कि अर्धनारेश्वर शिव पार्वती का रूप यहाँ प्रदर्शित किया है, जो ये भी कुशाणकालीन है, मथुरा से सेकंड थर्ड सेंचुरी यहाँ दिखाया गया है। अच्छा, ये मैंने स्कल्पचर पीछे दिखाया था, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए साइड में, यहाँ लिखा हुआ है द गॉड कुमार। कुमार कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुमार कार्तिकेय इनका नाम है पूरा, ठीक है। यहाँ साइड में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पूरा आप पढ़ सकते हैं जूम करके, ठीक है। नेक्स्ट लगा दो भाई। ये भी कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ऐसे एक बात बताऊं तो ज्यादातर सभ्यताओं में कार्तिकेय जी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, इसी प्रकार कुषाण में भी प्राप्त हुई है, सिक्कों पे भी मिला है, और यहाँ तो मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं इनको, अपने अस्त्र के साथ जो प्रसिद्ध है कार्तिकेय जी का, उसको यहाँ दिखाया गया है, और डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, ये कुषाणकालीन मूर्ति है, सेकेंड सेंचुरी की है। नेक्स्ट लगा दो भाई। ये नरसिंह जी की मूर्ति है, पर इस पे जो राइटर है वो थोड़ा कंफ्यूज है कि सही में नरसिंह है या नहीं, पर कोई नहीं, इन्होंने अगर ऐसा लिखा है तो हम थोड़ी देर के लिए प्रमाण के लिए इसको मान लेते हैं, कोई नहीं। अगर नहीं मानना है कुछ मूल निवासियों चूल निवासियों को तो कोई बात नहीं भाई, मत मानो, हम नेक्स्ट लगा देते हैं। 54 है, 54 स्कल्पचर है। चिंता नहीं करने का आज,
आज पूरा सीन खत्म करके जाएंगे इनका। ये वराह की मूर्ति है, ठीक है, विष्णु के जो इनकारनेशन है वराह, उनकी मूर्ति है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी हुआ है द बोर, थोड़ा जूम कर दो, यहाँ क्लियर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। द बोर अवतार ऑफ विष्णु, उत्तर प्रदेश मथुरा, थर्ड सेंचुरी से मिला है, थर्ड सेंचुरी से, ठीक है। तो भाई लोग, प्रमाण तो आप देख ही रहे हो, कुषाण कालीन प्रमाण, ये एक और वराह अवतार का है। नेक्स्ट लगा दो भाई। ये भगवान शिव को आप देख सकते हो, हाथ में वही डमरू, ये हाथ में वही डमरू और त्रिशूल के साथ चतुर्भुज रूप है, और वक्षस्थल पे जनेहू आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। और क्या कहते हैं, हमने स्कल्पचर तो बहुत बड़ा था, हमने पूरा किसी कारण में नहीं दिखाया। कारण ये है कि जब आप स्वयं इस स्कल्पचर को देखोगे तो स्वयं जान जाओगे कि मैंने पूरा क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वलिंग भी दिखाया गया है। तो मैं नहीं चाहता कि ऊर्ध्वलिंग दिखाया जाए, यहाँ पे थोड़ा असहज फील हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं दिखाया, आप देख लेना, ठीक है। ये भी कुषाण कालीन है। नेक्स्ट दिखा दो भाई। ये इसका मैंने संदर्भ नहीं दिया, इसका कारण ये है कि ये भगवान विष्णु की जो, ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, फेमस है, कुषाणकालीन मूर्ति है विष्णु जी की। चिंता ना कीजिए, आगे ऐसे ऐसे स्कल्पचर दिखाऊंगा जो आपने कभी ना देखे हो। नेक्स्ट दिखाओ। ये बलराम जी की मूर्ति है। स्टडीज इन इंडियन आर्ट में वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, जो उन्होंने फर्स्ट स्कल्पचर दिखाया वो बलराम जी की मूर्ति दिखाई है। ये कुषाण कालीन है, इसको थोड़ा नीचे कर दो जो कि इसका टाइम पीरियड दिख जाए लोगों को। स्क्रॉल डाउन कर दो, हाँ थोड़ा और नीचे। अबे यहाँ थोड़ा जूम कर दो, नीचे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। थोड़ा लैग शो नहीं कर रहा है इसके कुछ। कोई नहीं मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड बस। करके फिर से इसको शेयर करता हूं, रुको। हाँ अब दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं स्क्रीन लगाता हूँ। हेलो, हाँ स्क्रीन लगा रहा हूँ, एक सेकंड। इसका ऊपर वाला लगाओ भैया, आप जो पुस्तक बता रहे हो उस पे हम देखेंगे क्या हो उसमें, ठीक है, फिर उस पे बनाएंगे वीडियो। कोई नहीं, देख लेंगे उसमें क्या है। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दो और जूम कर देना, जिससे कि टाइम पीरियड दिख जाए लोगों को और संदेह मिट जाए। भैया आपको पुस्तक का रेफरेंस दे दिया गया है, आप पुस्तक में भी जाकर के देख लेना, यही मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम खुद पुस्तक का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो भैया इसको जूम जूम करके देख लेना। नेक्स्ट स्लाइड लगा दो भाई।
यस, अशोक चक्र का भी गजब एक्सपोज होने वाला है, जहां जहां इन्होंने कॉपी मारा है सब दिखाया जाएगा। अशोक चक्र पे तो बिगेस्ट एक्सपोज होगा इनका, बिगेस्ट एक्सपोज। ये इंद्र जी का मूर्ति आप देख सकते हैं, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दो भाई, जो कि इन लोगों को दिख जाए अच्छे से। और पुस्तक का प्रमाण आप सामने देख सकते हैं, और ये पुस्तक ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, मेट्रोपोलियन म्यूजियम का ये वहां से निकला हुआ पुस्तक है, वहीं से प्रिंट हुआ है। ठीक है, और ये इंडिया एंड पाकिस्तान का जो विवरण दिया है, इसमें इन्होंने इंद्र का स्कल्पचर दिखाया है। ठीक है, एक कुषाण कालीन है। ठीक है, नेक्स्ट लगा दो भाई। तो भैया इसका स्कल्पचर मैंने पहले भी दिखाया है मेरी शिवलिंग वाली वीडियो में, पर सीरीज वाइज मैंने बनाना था तो मैंने इसको भी दिखा दिया इसका। और ये भी उसी इंडियन आर्ट वाली पुस्तक में, स्टडीज इन इंडियन आर्ट, और ये कुषाण कालीन है। नेक्स्ट दिखा दो भाई। नेक्स्ट स्कल्पचर लगा दो। तो भैया ये भी स्टडीज इन इंडियन आर्ट का है, और यहाँ नीचे फिगर के नीचे आप देख सकते हो क्या लिखा है, अर्ली ब्रह्मनिकल रिलीफ। ठीक है, शोइंग फोर गॉड्स। तो यहाँ विष्णु जी को और अन्य अन्य देवी देवताओं को स्पष्ट दिखाया गया है, विष्णु जी का चतुर्भुज रूप यहाँ दिखाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। यही लगे रहने दो भाई, ठीक है, चेंज नहीं करना। ये बलराम जी की मूर्ति है, ये भी उसी पुस्तक से है, और कुछ कुछ इन्होंने मूर्तियां उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि सारी मूर्तियों का जो फोटो है वो उपलब्ध नहीं होता है। मैंने एक बारी गलती से एक म्यूजियम का पिक्चर शो कर दिया था, तो कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इसलिए हर फोटो को शो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लगा दो भाई। और ये भी उसी पुस्तक से, इंडियन आर्ट वाली। और यहाँ सूर्य देव को दिखाया गया, और नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर दो, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नीचे। और ये कुषाण कालीन मूर्ति है। नेक्स्ट लगा दो भाई। हाँ, और ये भी सूर्य देवता की ही मूर्ति है, ये भी कुषाण कालीन है। हाँ, अब आएगी तगड़ी तगड़ी मूर्तियां। नेक्स्ट लगाओ। ये शिव पार्वती की, ये भी कुषाण कालीन मूर्ति स्कल्पचर है। नेक्स्ट लगा दो। ये भी उसी पुस्तक से है, जितने भी छाया चित्र दिखाए गए हैं उसी पुस्तक से। और ये देखो भैया, मैं खुद गया था नेशनल म्यूजियम और वहां से खींच के लाया हूँ इसकी फोटो। इसको थोड़ा जूम कर दो, और इस मूर्ति को थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, क्योंकि आगे एक और सेम टू सेम ऐसी मूर्ति आने वाली है, पर दोनों में बहुत अंतर है, साइज का और थोड़ा बनावट का बहुत अंतर है। और ये कुबेर जी की मूर्ति है, इसको थोड़ा जूम कर दो। आप नेशनल म्यूजियम जाओगे तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला, यही दिखेगा। उसके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, फ्लोर तक बता दिया हूँ। ठीक है, ये स्कल्पचर वैसे का वैसे दिख जाएगा आपको, कुषाण कालीन। ठीक है, कुबेर जी की मूर्ति है। नेक्स्ट लगा दो। एक सेकंड। Thank you.
रिक्वायरमेंट वाला जो फोन तो भैया मैंने इससे पहले एक शिवलिंग दिखाया था, ठीक है, अपनी कुछ पुरानी वीडियो में, तो उसमें मैंने कोई सोर्स नहीं दिया था, तो आज मेरे को इसका सोर्स प्राप्त हो गया है। नेशनल म्यूजियम में ये वैसे का वैसा रखा है, और इसका नेम प्लेट पे देखोगे वहाँ भी शिवलिंग ही लिखा हुआ दिखाई देगा, चतुर्मुख शिवलिंग, ठीक है, कुषाण पगड़ी के साथ, यहाँ आप देख सकते हो, नेशनल म्यूजियम में ही है ये। नेक्स्ट लगा दो। तो भैया मैंने जैसा कि कहा था कि सेम टू सेम वैसा ही कुबेर का मूर्ति आने वाला है, तो इसमें देखो कि साइज का अंतर है, और ये भी कुषाण कालीन ही है, और एक ही स्थान से दोनों मूर्तियां प्राप्त हुई है। पेट पे देखो उसमें, इसमें थोड़ा सा पट्टी सा बना हुआ है, पर उसमें कोई पट्टी वट्टी नहीं बंधी हुई है, पर इसमें स्पष्ट बंधा हुआ है, और ये कुबेर की मूर्ति है, वहां आपको नेशनल म्यूजियम में आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट लगा दो भाई। साइज और आकार का अंतर है, तो भैया हमने पुरानी वीडियो में दिखाया था जो कि यज्ञ का प्रमाण एक शिलालेख से, उसमें हमने कोई क्या कहते हैं, आपने ग्रंथ का सोर्स नहीं दिया था, पर भैया हमको सेम टू सेम, और शक भी था कि सही में यहाँ यज्ञ की बात हो भी रही है कि नहीं, पर अब हमें सेम टू सेम प्रमाण मिल चुका है, वो भी किससे, तो शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण जो यज्ञ आदि की विवेचना करता है उसमें बताया गया है। ऊपर वाला ही लगाओ, ऊपर वाला ही स्लाइड लगाओ, हाँ यही, इसको आप लोग जूम करके पढ़ लेना, जो लाइन यहाँ लिखी गई है यहाँ वही सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है शतपथ ब्राह्मण में, इसके पहले कांड के चौथे अध्याय के ब्राह्मण पांच में, ठीक है, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है उसको, उसको पढ़ लेना। घी से देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया, और उसको क्या कहा जाता है, यज्ञ, यज्ञ, ठीक है, यहाँ भी घी से देवताओं की पूजा की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लगा दो स्लाइड। तो भैया ये शिवलिंग है जो, इसको थोड़ा नीचे कर दो, हाँ, रिलीफ शोइंग विंगिंग क्रिएचर्स वर्शिपिंग लिंगा मथुरा, ठीक है, ये कुषाण कालीन है, ठीक है। नेक्स्ट लगा दो। शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है, कुषाण कालीन है ये मथुरा। तो अब आ गई कुछ ऐसी मूर्तियां जो आपने नहीं देखी हो कभी, इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो, या फिर इसको थोड़ा जूम कर दो। यहाँ उमा महेश्वर को दर्शाया गया है, और भैया ये जो जनरल हम दिखा रहे हैं ना, ये फ्रांसीसी विद्वान ने लिखा है, ये कोई मनुवादी नहीं लिखा है ये पुस्तक, ठीक है, फ्रांसीसी जनरल है, ठीक है, फ्रांसीसी जर्नल में छपा है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, जनरल का, जर्नल का साथ में हमने नाम इत्यादि उसका फ्रंट पेज सब कर दिया है उसके साथ अटैच, और प्लस में जिस डेट पे छपा है उस डेट का जर्नल का डेट भी हमने लिख दिया है, उसी उसी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ उमा महेश्वर को दर्शाया गया है, और इसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, भैया पढ़ लेना, कुषाण कालीन है। नेक्स्ट लगा दो। त्रिशूल इत्यादि के साथ। तो भैया फ्रांसीसी होने के कारण हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है आपको, फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा। यहाँ क्या कहते हैं, भगवान शिव को त्रिशूल के साथ दर्शाया गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ब्रह्मा जी को दर्शाया गया है, ठीक है, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, थोड़ा नीचे कर दो इसको, नीचे स्क्रॉल करो, जब आप इस जर्नल को पढ़ोगे
ठीक है, और साइड में लिखा हुआ है ब्रह्मा की मूर्ति है और ये शिव की मूर्ति है फ्रेंच में, इस साइड इसका ट्रांसलेशन देख सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट लगा दो। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है क्या? कोई नहीं, नेक्स्ट लगा दो। तो ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसमें आइकोनोग्राफी के अनुसार आप देखोगे तो ये चतुर्भुज मूर्ति है और एक हाथ में शंख, दो हाथों में शंख ले रखा है, ठीक है, और राइट हैंड में इंद्र का वज्र है, ठीक है, जिसको इंद्र का वज्र कहा जाता है, वज्र ऐसे ही दिखाया जाता है स्कल्पचर में, ठीक है, और राइट हैंड में चक्र है, और आइकोनोग्राफी का पूरा बता रखा है इन्होंने कि ये किसकी मूर्ति है, इसी जर्नल में मिल जाएगा आपको। इन्होंने ये जो जनरल जर्नल लिखने वाला व्यक्ति है, जर्नल में वही छपता है जो रिसर्च बेस्ड होती है, ठीक है, जर्नल में कोई भी उल जुलूल नहीं छापता। इन्होंने अनेकों राइटर्स के रेफरेंस दे करके, जर्नलों के रेफरेंस दे करके ये पुस्तक को लिखा है, और भैया इनको क्या पता मनुवाद शब्द इन्होंने सुना भी नहीं है, बेचारे फ्रेंच विद्वान है। लगाओ नेक्स्ट, कुशाणकालीन है ये भी विष्णु जी की मूर्ति। इस पे विद्वानों का मतभेद है, या ये तो क्या कहते हैं, विष्णु की भी हो सकती है, इंद्र की भी हो सकती है और अन्य की भी हो सकती है। हाँ, ये देखो, ये एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी का वॉल्यूम 1 पार्ट 1, इसमें ये नीचे में शिवलिंग को दर्शाया गया है, नीचे देखो आप इसका इसका मूर्ति का स्कल्पचर नहीं उपलब्ध हो पाया, ये साउथ में मिला है, ठीक है, दक्षिण भारत में। और यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है पेज, वो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंचुरी का है ये शिवलिंग और कुषाण कालीन है। नेक्स्ट लगा दो। ये भी उसी जर्नल से है, ठीक है, इस पे विद्वानों का बहुत ज्यादा मतभेद है, इस पे इसको तीन लोगों ने अलग अलग बताया है, एक ने स्कंद बताया है, ठीक है, अग्रवाल इत्यादि ने, तीन लोगों का इस पे मत है, एक ने स्कंद बताया, एक ने इंद्र बताया है और एक ने शिव बताया है, पर बुद्ध किसी ने नहीं बताया, बड़े दुख की बात, ठीक है, शोकमग्न होना चाहिए हमको, क्योंकि सारे कुषाण राजा तो तथाकथित बौद्ध थे, कोई भी ब्राह्मणिज्म को तो मानने वाला नहीं था इनके अनुसार, ठीक है, वैदिक धर्म को तो कोई नहीं मानता था, सब तो बौद्ध थे, तो भैया ये स्कंद इत्यादि क्यों दिख रहे हैं इस पर, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और ये जो नेक्स्ट पुस्तक हमारे पास है, ये शिवा ऑन कुषाण पॉइंट्स। अब पुस्तक का नाम सुनकर के कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल ब्राह्मण भक्त ने लिखा होगा इस पुस्तक को, ये कुषाणों के कॉइन्स पे और स्कल्पचर्स पे, ये क्या बुद्ध को दिखाना चाहिए था, यहाँ तो शिवा लिख दिया, अरे रे रे रे। तो भैया ये बिल्कुल विदेशी है, ठीक है, भारतीय नहीं है, फॉरेन राइटर है, यहाँ नाम उसका देख सकते हो, ठीक है, और भैया डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर ऊपर साइड में हमने जो अंडरलाइन करके लिखा हुआ है उसमें आपको दिख जाएगा, और यहाँ मूर्ति का नीचे नंबर लिखा हुआ है, नंबर के अनुसार आप डिस्क्रिप्शन देख लेना, ठीक है, और ये शिव जी की मूर्ति है, और इसमें एक चीज देखो, ऊर्ध्वलिंग का छाया चित्र दिखाया गया है, सेंटर में आप देखोगे ऊर्ध्वलिंग दिखाया गया है, ठीक है, शिव जी का। नेक्स्ट लगा दो भाई, कुषाणकालीन मूर्ति है। वीडियो आज थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि भैया प्रमाण तो बहुत है, क्या करें। इसमें भी शिवा और पार्वती को दिखाया गया है और इसमें ऊर्ध्वलिंग भी स्पष्ट दिखाया गया है, आइकोनोग्राफी के अनुसार आप देखोगे तो भी ये शिव की ही सिद्ध होती है मूर्ति, और इस राइटर ने भी शिव ही बताया है। नेक्स्ट लगाओ। अब इसमें देखो, शिव जी को बाघंबर ओढ़े
दिखाया गया है, ठीक है, बाघ का चर्म, ठीक है, तो और इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड में एक डंडा सा दिखाया गया है, और ये शिव जी को यहाँ दिखाया गया है इसमें, और राइटर ने भी यही लिखा है। नेक्स्ट स्कल्पचर लगाओ भाई, 7 नंबर पे आप देखोगे तो आपको यही इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये भी भगवान शिव का अन्य मूर्ति है, इसमें त्रिशूल इत्यादि से स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। और वो हटा दिया क्या? नहीं नहीं हटाया नहीं, नहीं वही है। इसमें त्रिमुख के साथ शिव जी को दिखाया गया है, इनके हाथ में त्रिशूल भी है, ठीक है, त्रिमुख इसका दिखाया गया है, इसका छाया चित्र उपलब्ध है। नेक्स्ट लगाओ भैया, प्रमाण तो आज बहुत है। अब मेरे को एक चीज लगा कि ये देवी का है। और यहाँ वृषभ के साथ शिवजी को दर्शाया गया है, ठीक है, इसका 9 नंबर देख लो भैया, और इसमें 9 नंबर पढ़ लेना क्या इसमें लिखा गया है, ठीक है, तुमको और कुछ नहीं मिलेगा शिव के अलावा। लगा दो नेक्स्ट। वृषभ के साथ अंकन है शिव जी का। बुद्ध जी तो वृषभ नहीं रखते थे? बुद्ध जी वृषभ नहीं रखते थे? अरे रखते थे, सब रखते थे। सब रखने लेंगे। अभी अभी ये देखो वृषभ के साथ, और इसमें अभी अभी ये लोग कहेंगे भैया ये शिव जी की कैसे हो सकती है, इसमें तो मुंह ही नहीं है, तो भैया ऊर्ध्वलिंग इसमें स्पष्ट दिखाया गया है, नीचे देख सकते हो आप, ठीक है, और ये नंबर देख लो, उसमें राइटर ने भी यही कहा है, आइकोनोग्राफी के अनुसार देखोगे तो ऊर्ध्वलिंग इसमें दिखाया है, ठीक है, और राइटर ने भी लिखा है, हमने सब अंडरलाइन करके डाल रखा है, तुम पढ़ लेना, और राइटर का नाम और पुस्तक का नाम हमने दे दिया है, ज्यादा बोलोगे तो लिंक हम डाल देंगे, और क्या, पढ़ लेना उठा करके। विदेशी राइटर है, उसको मनुवाद से मतलब नहीं। ये चतुर्भुज रूप दिखाया गया हाथ में त्रिशूल के साथ, और वक्षस्थल पे जनेऊ आप स्पष्ट देख सकते हैं, और ऊर्ध्वलिंग इसमें भी दिखाया गया है, ठीक है, ये भी भगवान शिव की ही मूर्ति है। नेक्स्ट लगा दो। ये भी भगवान शिव की मूर्ति है, हाथ में कमंडल स्पष्ट दिख रहा है, और ऊर्ध्वलिंग इसमें भी स्पष्ट दिखाया गया है। कुछ मूर्तियां रेयर होती है जिनका स्कल्पचर नहीं मिल पाता है, तो उसका छाया चित्र ही उपलब्ध कराया जाता है राइटरों द्वारा। और ये भी भगवान शिव की मूर्ति है, त्रिशूल और त्रिमुख की मूर्ति है, और कमंडल इसमें भी देखा जा सकता है स्पष्ट, राइटर ने इसके ऊपर भी यही लिखा है, 14 नंबर का पढ़ लेना भैया पीछे, ठीक है। नेक्स्ट लगा दो, डिस्क्रिप्शन इसका पीछे ही मिल जाएगा तुमको। इसको थोड़ा जूम कर देना, ये भी भगवान शिव की है, 14 नंबर पे पढ़ लेना इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और वृषभ के साथ भगवान शिव का अंकन है, इसमें त्रिशूल इत्यादि को दिखाया गया है साफ साफ। नेक्स्ट लगा दो। और ये सारे उसी पुस्तक से प्रमाण दिए गए हैं। नेक्स्ट स्कल्पचर लगा दो भाई। लगा चुका हूँ भाई। यहाँ पे त्रिशूल के साथ भगवान शिव को दिखाया गया है, त्रिशूल भगवान शिव की मूर्ति है, इसमें वक्षस्थल पे जनेऊ दिख रहा है साफ साफ, और लेफ्ट हैंड में वही त्रिशूल है। हेलो, हाँ भाई बोलो। ठीक है ठीक है, तो वक्षस्थल पे जनेऊ और त्रिशूल हाथ में दिख रहा है, और कमंडल भी वही स्पष्ट नजर आ रहा है, तो नेक्स्ट लगाओ।
बुद्ध जनेऊ तो नहीं पहनते थे ना भाई, ऐसे ये भी बात हम ही मानते, तुम लोग तो नहीं मानते। अरे भाई 9th सेंचुरी का एक स्कल्पचर है मेरे पास में, उसमें बुद्ध को जनेऊ पहने दिखाया गया है। बताओ बुद्ध भी मनुवादी हो गए। तो यहाँ पर भगवान शिव का चित्रण किया गया है, शिवलिंग इसमें भी दिखाया गया है और नंदी के साथ। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट स्कल्पचर लगा दो भाई। तो इसमें क्या कहते हैं, ये कुषाण कालीन एक स्कल्पचर है। इसमें देखो आप, इस पे सील पे भगवान शिव को दर्शाया गया है त्रिशूल के साथ और पार्वती को, और साइड में ही जो कुषाण राजा है उसको दर्शाया गया है यज्ञ करते हुए, ठीक है। और इसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे मिला हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और लास्ट लगा दो स्लाइड। ये भी भगवान शिव की ही मूर्ति है, ठीक है। जितने भी हमने प्रमाण दिखाए थे उन सब का तुमको अब सब एक साथ दिखा रहे हैं, ठीक है, देख लो भाई। अब लास्ट लगा दो स्लाइड, सब खत्म। अब प्रमाण जितना भी था सब दिखा दिया है। तो भैया वीडियो हो गई खत्म। अब इतनी मेहनत से बनाया है उसको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद सभी को, जय श्री राम। खत्म करते हैं अब यहीं। जय श्री राम सभी को।